हमारे साथ है रॉबर्ट वाड्रा जी। वाड्रा साहब, आप जयपुर आए हैं, मोदी डूबरी से शुरुआत की, क्या ये आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी? क्योंकि आपने कहा था कि मैं राजनीति में जा सकता हूँ। जय गणेश, मैं अपने स्पिरिचुअल विजिट पे हूँ, मैं देश भर में जाता हूँ और कोरोना के बाद ये पहला मेरा विजिट है। कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि आपको यहाँ गणेश टेंपल में आना चाहिए, उससे आपको भी बहुत प्रसन्नता मिलेगी और मतलब कि मेरी प्रार्थना थी और मैं चाहता हूँ कि सारे देश के लोग खुश रहें, हेल्थी रहें, कोरोना के बाद अपना हेल्थी रहें और सेफ रहें, तो मेरी प्रार्थना यही थी यहाँ के। और मैं पूरे देश भर में अपना कुछ करता हूँ और करता रहूँगा, और चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या चर्च हो, मैं सब में जाता हूँ, मुझे एक ही किस्म का आनंद, खुशी और पीस मिलता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का देखते हैं हम, वो हिंदुत्व को एक एजेंडा बना देते हैं, आपकी जो आज मोदी डोमी की यात्रा है, शौर है कि कुछ ना कुछ बात उधर कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा तो सोच एक ही है कि मैंने जैसे बताया कि मस्जिद हो या आपका गुरुद्वारा हो या चर्च हो, मैं सब में जाता हूँ, तो अब वो क्या उसका महत्व निकालते हैं, क्या उसका सोच निकालते हैं, वो उनका सोच है, मेरा सोच तो स्पिरिचुअल है और कुछ नहीं। सर, पेट्रोल डीजल को लेकर आप साइकिल चलाते हुए भी दिखाई दिए थे, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन एक किसान आंदोलन के जरिए उसको डाइवर्ट नहीं किया जा रहा, आपको नहीं लगता है डाइवर्ट हो रहा है और पेट्रोल डीजल का मुद्दा जो है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, वो वहीं का वहीं खिला रही है? आपके पास यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पेट्रोल और डीजल और LPG का बढ़ रहा है, तो ये सारे मुद्दे हैं, क्योंकि मतलब कि बस दबाव डाला जा रहा है कि ये होगा या तो कुछ नहीं होगा, और आंदोलन चलता ही जा रहा है क्योंकि मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। जिस दिन एक लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, जब पॉलिसी बनाते हैं या अगर पेट्रोल के प्राइस थोड़े सोच समझ के बढ़ाएं या मतलब कि अपने जो सेस या टैक्सेस को नीचे लाएं, तो लोग को इतना मजबूर समय से मतलब कि पास नहीं होना पड़ेगा, और उनके दुख को समझें और मजबूर हालातों को समझे और कुछ उनके लिए उनके हित में करें। लगातार एक इशू था नीरव मोदी, अब उनका प्रत्यर्पण का रास्ता जो है साफ होता हुआ नजर आ रहा है, आप लोगों का जो जिस तरीके से बात उठा, आप लोगों ने उठाई थी, अब कहीं ना कहीं वो पीछे रह गई, क्योंकि मोदी सरकार उनको लेकर आ रही है। बहुत खुशी की बात है, किसी ने भी अभी कुछ देश में गलत किया है उनको वापस लाया जाए और देश को वापस दिया जाए, जो भी उन्होंने गलत किया है या गलत किया है यहाँ, वो मैं बहुत खुश हूँ, और यहाँ जुडिशरी है वो डिसीजन लेगी। मैं जुडिशियल सिस्टम में बिलीव करता हूँ और मेरे को लग रहा है कानूनी तरीके से सही होना चाहिए। राहुल जी और प्रियंका जी पर लगातार हमले हो रहे हैं, वो तो चलेगा, अगर वो मतलब मेहनत करेंगे वो तो चलेगा जरूर, और वो मतलब कि अपनी सोच से चलेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, जो दब रहे हैं उनको उनके लिए सहायता करेंगे, उनको मदद देंगे। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लड़ाई होगी, और जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है, वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आगे भी लड़ते रहेंगे।